हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। सेकेंड T20 के बाद आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा हार्दिक नहीं है अच्छे कप्तान, वो है खराब कप्तान। जी हाँ, साफ तौर पर आकाश चोपड़ा ने हार्दिक को खराब कप्तान बता दिया है। और क्यों कहा है ऐसा, ये आपको इस एक वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या कहा है आकाश चोपड़ा ने, पूरा स्टेटमेंट क्या है उनका, सब कुछ आपको बताएंगे। तो उससे पहले भाइयों आपसे बस इतनी विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करना बिल्कुल बिना बोले। बात करते हैं क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या, माफ कीजिएगा आकाश चोपड़ा, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो आकाश चोपड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि जब यूजी बॉल डालने आए तो उस समय आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज के हक में पूरी तरीके से मैच जा चुका था। निकोलस पुटन अपना काम कर चुके थे, वहां पर कुछ 35 गेंदों में 25 रन की दरकार थी वेस्ट इंडीज की टीम को, मैच हाथ से निकल चुका था। लेकिन एक यूजी का ओवर वहां पर आता है, यूजी चहराते हैं, वहां पर 2 विकेट ले जाते हैं और 1 रन आउट इसी ओवर में करवा जाते हैं इतना प्रेशर डाल के बैट्समैन पे, तो यानी 3 विकेट आ जाते हैं और उस टाइम पर 5 विकेट होते हैं विपक्षी टीम के, यानी उस विकेट को मिलाकर कुल 8 विकेट हो जाते हैं वेस्ट इंडीज के। सिर्फ 2 विकेट टीम इंडिया को चाहिए होते हैं और मुकाबला आ जाता है 24 गेंदों में 24 रन। लेकिन उसके बाद हम जिस तरह से देखेंगे वहां पर जब यूजी को 18वां ओवर देना बनता था लेकिन टीम ने नहीं दिया, और वही आकाश चोपड़ा ने कहा है कि यहां पर यूजी को आपको ओवर देना चाहिए था, अगर वो आते तो बैट्समैन को शायद आउट कर सकते थे क्योंकि वो बॉल को थोड़ा सा हवा देते हैं तो वहां पर विकेट के चांस बनते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद देखेंगे कि क्या नतीजे उस तरह से आपके वहां पर, जिन्होंने ओवर दिया हार्दिक पांड्या ने किसको, अर्शदीप को और मुकेश कुमार को, और उन्होंने वो रन लुटा दिए। हार्दिक का जो माफ कीजिएगा यूजी का जो एक ओवर था वो बचा का बचा रह गया। और उसके बाद हमने देखा क्या कुछ हुआ उस मैच में, टीम इंडिया हार गई 2 विकेट से, जहां पर पूरा का पूरा मैच आपके हक में बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट की दरकार थी, 24 गेंदों में 24 रन चाहिए तो वेस्ट इंडीज को, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे जब आप 8 विकेट ले चुके थे। लेकिन वहां के 2 बल्लेबाजों ने, अकील हुसैन और अल्जारी दुदस ने, वो काम कर दिया दोनों पेसर्स के अगेंस्ट, मुकेश और अर्शदीप के अगेंस्ट। देखेंगे तो 19वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया, 20वें ओवर तो मैच जाने ही नहीं दिया। और आपने देखा किस तरह से हार्दिक पांड्या ने खराब कप्तानी का प्रदर्शन किया और इसीलिए आकाश चोपड़ा उनको हड़का रहे हैं, खराब कप्तान बता रहे हैं साफ साफ शब्दों में। मतलब खराब कप्तान तो नहीं बोला लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने ट्रिक मिस कर दी, यहाँ पर यूजी को कराना चाहिए था, वहां पर आप किसी और को ले आए और आपने बिल्कुल वहां पर मैच फिर दूसरी टीम को दे दिया हाथ में धुल के।